हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सुभा है। आज इस कोविड की सिचुएशन में हम सभी बहुत परेशान हैं। हम घर से बाहर जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। घर पे रहने की वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। बहुत से हम में ऐसे हैं जो डिप्रेस भी हो रहे हैं। कईयों की जॉब जा चुकी है, बिजनेस बंद हो चुका है। हम में से कई परिवार हैं जिन्होंने अपने करीबी को खोया है। उनके इस दर्द को, उनके ऊपर ये जो आपदा आई है, शायद हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हमें एक अच्छा इंसान बने रहना है। हमें मानवता को शर्मसार नहीं करना है। मतलब अगर हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे हम किसी की हेल्प कर सकें, किसी गरीब को खाना दे सकें या फिर किसी रिलेटिव या फ्रेंड की मदद कर सकें, तो आप ज़रूर करें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप घर के बाहर जाएँ, लोगों की मदद करें और अपनी लाइफ रिस्क पर डालें। आप इनडायरेक्ट वे में भी घर रह के किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी को फ़ोन कॉल करके उसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ये सब काम जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लीज़ अपना हाथ आगे जरूर बढ़ाएं। इस कोविड की सिचुएशन में हम कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो हम क्या करें? मेरा आप सभी से सजेशन है कि आप इस सिचुएशन को भी पॉजिटिव बनाएं, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। ये हो सकता है, और ये हो सकता है अगर आप अपने पैशन को, अपनी हॉबी को फॉलो करें। अभी क्वेश्चन आता है कि हमारी हॉबी क्या है, तो आप खुद से पूछिए कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसे आप करते हो तो आपका समय को पता ही नहीं लगता, आपके दिमाग को, आपको दिल को बहुत तसल्ली मिलती है उस काम को करने में, वही आपकी हॉबी है। जब आप अपनी हॉबी पर और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, उस पर और हार्ड वर्क करने लगते हो, उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हो जाते हो, तो ये हॉबी आपका पैशन बन जाती है। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताने वाला हूँ जिससे आपको अपनी हॉबी ढूंढने में आसानी हो। पहला है गार्डनिंग, यानी पेड़ पौधे लगाना। आप अपने बालकनी पे, अपने छत पे, अपने घर में पेड़ पौधे लगा सकते हो। जब आप पेड़ पौधे लगाते हो तो नेचर से और कनेक्ट हो जाते हो, आप उसे रिस्पेक्ट देने लगते हो, आप खाना वेस्ट नहीं करते क्योंकि आप उसके इम्पोर्टेंस को समझते हो। पेड़ पौधे लगाने से आपको फ्लावर मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, तो है ना, इसके बहुत से फायदे। तो आप जल्दी से जल्दी ट्राई करें और शायद यही आपकी हॉबी है। दूसरा है रीडिंग। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारा दिमाग बढ़ता है, हमें किसी चीज़ों को समझने की समझदारी बढ़ती है। अगर हम किसी टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं, उसे और समझना चाहते हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑथर की बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने उस टॉपिक को ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया हुआ है। तो जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, और जब हम फिर से उस चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करते हैं, यानी प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं, तो हम अपने गोल के और करीब हो जाते हैं। फिटनेस, आज इस कोविड की सिचुएशन में फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम सभी को समझ में आ गया। लेकिन हम में से ऐसे भी हैं जिन्हें एक्सरसाइज करना या फिर अच्छी डाइट लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरा हम सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल ज़रूर फॉलो करें, ताकि हम उन्हें अवेयर कर सकें फ़िटनेस के बारे में, उन्हें क्या डाइट लेनी है, कैसे हेल्दी खाना खाना है और कैसे एक्सरसाइज करनी है। आपका पर डे 5 से 10 मिनट का एक्सरसाइज भी आपको हेल्दी बना सकता है। मैं अपने चैनल पर कुछ ऐसे वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है या फिर सिंपल एक्सरसाइज करना ही अच्छा लगता है। सिंपल ही सही बट इफेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इफेक्टिव और सिंपल एक्सरसाइज मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको एक्सरसाइज से या डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश कर दूँगा कि पर्सनली आपको उस मैसेज का रिप्लाई दे सकूँ। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग ही फिटनेस है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। बॉडी बिल्डिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, फिटनेस इज डिफरेंट थिंग। अगर आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो गाइडलाइन है, वो डिफरेंट है। बट अगर आप फिट रहना चाहते हो, अपनी लाइफ को इन्जॉय कर सकते हो, तो उसका एक डिफरेंट ही तरीका है। तो आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखें और सेहत में रहें। जय हिंद।